तो गाइस आईपीएल 2020 का मैच नंबर 31 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब अब खत्म हो चुका है और ये मैच लास्ट बॉल तक गया था। बहुत ही इंटेंस मैच था ये। अगर आपने इस मैच को मिस किया है, आपको हाइलाइट्स देखना है, तो आप इस वीडियो को देखते रहो। मैं आपको बताऊंगा आप हाइलाइट्स कैसे देख पाओगे। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहले मैं आपको मैच के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, देन मैं आपको बताऊंगा आप हाइलाइट्स कैसे देख पाओगे। तो टॉस हुआ, टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और हर बार की तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बैंगलोर की शुरुआत अच्छी, एरोन फिंच और डेविड पार्टिकल दोनों ने रन बनाया, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान विराट कोहली ने बनाया, 39 गेंदों में 48 रन। इसके अलावा शिवम दुबे ने 19 गेंदों में 23 रन बनाया। इसके बाद क्रिस मॉरिस ने 8 गेंदों में 25 रन बना के और ईशरू उदाना ने 5 गेंदों में 10 रन बना के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बहुत अच्छा फिनिश दिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे 171 रन बना पाई। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से मुर्गुन अश्मी ने 2 विकेट लिया, मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिया, हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट लिया एंड क्रिस जॉर्डन ने 1 विकेट लिया। अब किंग्स इलेवन पंजाब को 172 रन का टारगेट चेस करना था, जो बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला था। भले ही ये मैच शारजा में था, लेकिन आजकल के मैचेस का सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया है। शारजा में भी रन बनाना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से आरसीबी की जो गेंदबाजी है अभी फुल कॉन्फिडेंस में थी, बिकॉज लास्ट मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई थी, तो ये बिल्कुल इजी नहीं होने वाला था। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल दोनों ने रन बनाया। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से सबसे ज़्यादा रन केएल राहुल ने बनाया, 49 गेंदों में 61 रन। इसके अलावा क्रिस गेल जो अपना पहला मैच खेल रहे थे इस साल का, उन्होंने 45 गेंदों में 53 रन बनाया और मयंक अग्रवाल ने भी 25 गेंदों में 45 रन बनाया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से सिर्फ युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला, इसके अलावा क्रिस गेल रन आउट हुए थे और लास्ट बॉल में 1 रन चाहिए था, एक्चुअली 1 ओवर में 2 रन चाहिए था और गेंदबाजी पे थे युजवेंद्र चहल। इस मैच को लास्ट बॉल तक लेके गए, लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था और निकोलस पुरन ने छक्का लगा के किंग्स इलेवन पंजाब को जिता दिया। किंग्स इलेवन पंजाब इस मैच को 8 विकेट से जीत गई और लास्ट बॉल पे जीती किंग्स इलेवन पंजाब। मैच बहुत ही कमाल का था और अगर आपने इस मैच को मिस किया है, जो क्रिस गेल ने, केएल राहुल ने और मयंक अग्रवाल ने इनिंग खेली है उसको मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्लिक करो और जाके मैच देख के आओ। बहुत ही कमाल का मैच था और अभी के लिए बस यही वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिख कर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।